अशित कहना अगले राज्य कसान है उसते अपन उससे जो पेशेंट जो मगप करेंगे आते जो मैं डाइट है हवाले गप पे थे कि बिफोर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी हयालदारी छिक्का लमियन तो ये हवाले हूँ वहाँ गप्पे था कि मैं गप दाश था सॉरी टू कट यू आपको की बात मैंने काट दी थी क्योंकि एक ब्रेक का वक्त था। आप बता रही थी कि आफ्टर प्रेगनेंसी भी मतलब आपको आफ्टर डिलीवरी सॉरी आपको जो है ना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ख्याल रखना होता है और कोशिश ये करनी चाहिए कि फीड जो है वो अपना कराएं क्योंकि वो फीड जो बच्चे मदर फीड लेते हैं उनकी कुव्वत मदाफियत अच्छी होती है और 2 साल तक तो हम उनको यही रिकमेंड कर रहे होते हैं। और हमारी जो जो हमारे PNDS के हवाले से है तो हमें वो स्ट्रिक्टली ये है कि हम कोई जो है वो डब्बे का दूध लिख के ना दें। ठीक है तो ये कि वो हम नहीं लिख के दे रहे होते हम यही उनको फोकस करते हैं। तो ये चीज़ है कि उसमें आपकी डाइट जो है वो और अच्छी बेहतर होती है कि आप जो है हर चीज़ को तो फोकस कर रहे होते हैं। आप फल सब्जियां मौसम के ले रहे हैं आप गोश्त अंडा दूध मछली हर चीज़ का इस्तेमाल जो है वो करें और मील स्पेसिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा मिसकंसेप्शंस भी तो हैं कि आफ्टर जनरल डिलीवरी आपने ये फला चीज नहीं खानी आपने इन चीज़ों से एहतियात करना है चूँकि आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं मतलब आप बच्चे को फीड करा रही हैं तो फिर आप जो है ना इन तमाम चीज़ों से परहेज करें बच्चे की सेहत का मसला होगा खराब हो जाएंगे अगर आप दूध इस्तेमाल कर लेंगी। तो मुझसे मोस्टली जो है खवातीन यही पूछ रही होती हैं कि अब हमारा तो ऑपरेट हुआ है तो हम दूध ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो ये कि ये चीजें बहुत ज्यादा हमारे जो मीट और फिश के हवाले से भी मिसकंसेप्शंस बहुत हैं कि आप जो है वो चीज गर्म है। देखिए गर्म ठंडी चीज उस वक्त होती है जब आप उसको प्लेट भर के इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप प्लेट भर के जो है वो मेवे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको गर्मी के मौसम में नुकसान देगा। उस पे मदर के सेहत पे कोई असर पड़ सकता है अगर ब्रेस्ट फीडिंग वो करवाए मतलब बच्चे को। देखिए ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर कराती है उनका सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि उनकी अपनी फिटनेस भी रहती है। ठीक है वो मोटापे की तरफ नहीं जाती। ठीक है दूसरे ये कि जो आजकल ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज़्यादा अब सुनने में आ रहा है तो वो उससे बच सकती हैं। ठीक है और मुख्तलिफ जो बीमारियां हमें 40 के बाद डायग्नोज होती हैं उससे हम बहुत ज्यादा बच सकते हैं जो कि ब्रेस्ट फीड जो मदद करा रही होती है। जी बिल्कुल उनका वक्फा भी अच्छा होता है। लम्हा ये होता है मैं पर्सनली इस चीज़ को यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि आपके साथ आपके बच्चे के साथ का आपका एक कनेक्शन अलग ही होता है। कहते हैं ना कि आपका रिलेशन स्ट्रांग होता है ये वाकई हकीकत है। इसमें इस बात में 100% मैं अपना बिलीफ रखती हूँ कि जिन बच्चे जो बच्चे अपनी माँ के साथ जो है ना वो माँ का दूध पिया हुआ होता है वो माँ के साथ एक अलग ही उनकी अटैचमेंट है। बिल्कुल। तो मेरी अम्मा वैसे मजाक मजाक में भी बोलती हैं कहती हैं आजकल के जो ये डब्बे वाले दूध है ना इसलिए माओ की सुनते नहीं है ना माँ से अटैचमेंट है ना कुछ। पहले जो है ना वो माँ के पास माँ चूँकि अपना दूध पिलाती थी तो माँ और बच्चे की अटैचमेंट अलग ही है। ये खुदा की तरफ से है ये कुदरत है ये आपका पूरा साइकिल बेहतर करता है। तो मैं सोचती हूँ वाकई इस बात में हकीकत है कि आप अगर देखें तो उनका रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहरहाल प्रोग्राम में एंड को जा पहुँचा है तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया हमारे प्रोग्राम में आए हिस्सा लिया। एट लास्ट अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं। अच्छा लास्ट में ये चीज़ें मैंने बात भी की कि हम फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज को तब या डाइट को तब हम कंसीडर करते हैं जब कोई बीमारी आ जाती है हमें। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर फिट भी हैं नॉर्मल भी हैं तो आप अपने सेहत के लिए आपको रेगुलर एक आम बंदे को भी 30 से लेकर 60 मिनट्स तक कोई भी एक्सरसाइज डेली रूटीन बेस पे करनी उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है। और जिस मैंने शुरू में बताया था कि इसका इफेक्ट सिर्फ ना सिर्फ फिज़िकली होगा बल्कि आपके मेंटली कार्डियोवेस्कुलर सारे सिस्टम आपके एक्टिव हो जाएंगे वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे तो तब जाके और एक और चीज़ है एक्सरसाइज के थ्रू आप डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। Exactly. आजकल अगर देखिए हर कोई बंदा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है तो अगर इस चीज को हम मेडिसिन तो ले रहे हैं लेकिन हम एक्सरसाइज की तरफ कभी नहीं जाएंगे। और एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि हमारा जो रूटीन है स्लीप मतलब हम रात को बहुत देर तक जागते हैं मोबाइल टीवी जो भी चीज़ें देखते हैं तो ये बहुत नुकसानदेह है। क्या सुबह अगर आप जल्दी उठो जैसे आजकल मौसम गर्मी बहुत है वो बोले मैं एक्सरसाइज किस टाइम करूँ
तो जो मॉर्निंग यानी फजर के बाद का जो टाइम होता है ये मुनासिब टाइम होता है। और दूसरी बात ये कि जैसे मैंने शुरू में बोला था कि हमारे अगर किसी ने फिर भी, जैसे मैं मुर्शिद हॉस्पिटल की बात करूँगा कि वहाँ पे हमारे पास फिज़िकल फिटनेस एक अलग जो है वो प्रोग्राम है, एक पैकेज है, तो वो आके उसके थ्री हमसे भी पूछ सकते हैं या किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब ना सिर्फ मरीज़ बल्कि आम बंदा भी जो अपने फिज़िकल फिटनेस का ख्याल रखना चाहे। और मैं वही बता रही थी कि हम तो खुश नसीब हैं कि हम दीन हमारा ऐसा है कि हम दीन इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, तो चूँकि हमारा एक जो है ना वो हमारी एक्सरसाइज के तौर पर हम अपनी नमाज को अगर फोकस रखें, कसम से किसी चीज़ की मुझे तो पर्सनली मैं समझती हूँ ज़रूरत ही ना महसूस हो कि अगर हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो कंटिन्यूसली एक्सरसाइज भी है, वो फ्रेश भी आप रहते हो, आप स्ट्रेस फ्री भी रहते हो, आपको किसी चीज़ की नमाज में नमाज की जो मेन एक्सरसाइज है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होती है। जैसे आपने शुरू में बात की कि उसने स्ट्रेट किया तो मैंने भी, अब ये कि वो स्ट्रेस आ गया, तो ये कि फ्लेक्सिबिलिटी, तो जाहिर सी बात है नमाज भी एक एक्सरसाइज ही है। इवन उससे तो अब साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है मेडिकली कि बहुत सी बीमारी का आपका इलाज है, आप कैंसर से, ब्रेन कैंसर से बच सकते हो। जब आप सजदे में जाते हो, सजदे में मोस्टली हम लोग बैठ के पढ़ते हैं। देखो असल में नहीं, जब सजदे में आप जाते हो ना तो आपका जो ब्लड है वो कम्प्लीटली ब्रेन में आ जाता है, तो जितने भी फिर बता रहा हूँ कि डिप्रेशन, ब्रेन से मेंटल इलनेस, ये बहुत सारी बीमारियों से नमाज और एक्सरसाइज के थ्रू हम जो है इसको जो है वो एक तो मुर्शिद हॉस्पिटल में तशरीफ लाए, ये नहीं कि बीमार हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी फीस नहीं है, और आप जो है वो अपने फॉलो अप में भी उसको रूटीन में रख सकते हैं, और कोई बीमारी जब हो तब नहीं आए डाइटिशियन के पास, बल्कि जो है वो अपने आप को फिट रखने के लिए और बीमारी से बचने के लिए किसी भी एज से रिलेट हो तो ज़रूर आए। दूसरे ये कि ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा एक मुकम्मल मतवाजन गिज़ा का इस्तेमाल करें, और जितना जो है वो मील स्पेसिंग करेंगे, अपने फाखों को कम करेंगे, तो उतना जो है वो आपकी जो है वो फिटनेस जो है वो बढ़ेगी फिज़िकल एक्टिविटी के साथ। और एक और मैसेज देना चाहूँगी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है कि ये जो सिगरेट है, पान है, गुटखा है, छालिया है, ये जो है वो हमारी मतवाजन गिज़ा में जो है वो बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि जब आप ऐसे नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी जो गिज़ा है वो मतवाजन नहीं रहती, क्योंकि ये आपकी डिले करती है। ये होता है ना कि मुँह में कुछ होता है तो स्टमक को ये फील होता है के मतलब भूख नहीं लगती, भूख ही नहीं लगती, भूख नहीं लगती। मैंने मोस्टली लोगों को देखा है जो कुछ ना कुछ खाने के आदी होते हैं, लाइक चालिया, गुटखा या इवन च्युइंगम्स, मैंने देखा है कि वो जब कुछ ना कुछ चबा रहे होते हैं और कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं तो उनको भूख नहीं लगती, उनकी शिकायत ये होती है कि वो खाना नहीं खा पाते और भूख नहीं लगती, तो ज़रा अवॉइड करना चाहिए। जैसे सिपारी रखी हुई है, मैं एक जगह पे गई वहाँ सिपारी रखी, तो वो सिपारी उन्होंने कहा हमने तो खाली सिपारी रखी है, वो जो सिपारी रखी हुई है वो जो है वो मतलब आपने रख लिया, वो बच्चा तो वही देख रहा है ना, अब बच्चे को भी उसी चीज़ की आदत हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमारे, हमें अपनी लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज करना हैगा, और अपनी जनरेशन को जो है वो बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है, तो जो है वो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना है। बिल्कुल। अच्छा, मैं लास्ट में ख़त्म हो गया, लास्ट में एक ये मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि मतलब मोस्टली जो पेशेंट्स हमारे पास वहाँ मुर्शिद हॉस्पिटल में आते हैं, या वो एरिया ऐसा है कि वहाँ फाइनेंशियली पेशेंट्स को मसला होता है, तो मैं ये आपके प्रोग्राम के थ्रू बता दूं कि हमारे वहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट, PWA एक इदारा है, हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू पेशेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है, और बाकी उसमें क्लेफ्ट पैलेट और फिस्टुला वगैरह जो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ट्रीटमेंट, तो ये कि आप पेशेंट जितने भी पेशेंट्स हो कंसर्न हो तो वो जरूर आ सकते हैं। जो फ्री कैंपिंग होती है उसके अंदर तो हमारे बहुत सारे टेस्ट जो है वो मुफ्त में हो रहे होते हैं, और बहुत जो है वो कारामद होते हैं, लोगों को उसके थ्रू पता चलता है कभी तो कि उसको बीमारी हो गई, तो मतलब जिनको जाना है वो कंसर्न करना है वो जरूर फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज वहाँ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें मदद करने के लिए, और इख्तिताम मराके सरबुता शुमे हो मिनत पारक लराज के शुमवाद कश मराग शचारे था मसरपत बैश में महरो दोस्ती किश मवाद कश तमनी हाथरा नुमना कायनात फकीर मोहम्मद दाम निमराग शे कैसे टीम है हमरा गया रजा भी दिए, और मराग शो लगे तथी फीडबैक हमारा अलम भी दिए, वती हाला बेदारे मना की दुआन तहा याद बेखने अल्लाह में आ रहे।